भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में मॉनसून अब अपने आखिरी चरण की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों में कहीं धूप तो कहीं बारिश देखने को मिल रही है। एक ओर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात जैसे राज्यों में भारी बारिश से हाल बेहाल है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में बारिश न होने के कारण लोगों को उमस वाली गर्मी देखने को मिल रही है। हालांकि मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक सोमवार को दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिल सकती है। सोमवार को क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो गई हैं। स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, साथ ही आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में सितंबर महीने की शुरुआत से ही बारिश होने की संभावना है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सोमवार की रात से लेकर 5 सितंबर तक तेज हवाएं और गरज के साथ बारिश की संभावना है। हरियाणा में 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक अधिकतर इलाकों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी है। आज के मौसम की संभावित गतिविधि। मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार आज सोमवार 2 सितंबर को तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी आंध्र कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, दक्षिण आंध्र कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की बारिश संभव है।